पहली मीटिंग है वक्फ बोर्ड की, बहुत सारी आशंकाएं हैं मुस्लिम समाज को, क्या कहना है सर आपका? देखिए, जो बिल आया है सरकार ने उसको प्रस्तुत किया, आज वो जेपीसी को रिफर हो गया है और स्पीकर साहब का मैंडेट है कि वो जेपीसी को रिफर करने पे हम अगले सेशन के फर्स्ट वीक के लास्ट डेट तक हमको देना है। तो स्वाभाविक है कि इसमें जेपीसी की आज बैठक शुरू हो रही, लगातार इसमें हमारे जेपीसी के सभी मेंबर्स हम इस बिल को थ्रेड एंड वेयर डिस्कस करेंगे और जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी चीज़ें हैं उसको उस हम जेपीसी के अंदर डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक कि हम ये जेपीसी ने मैं समझता हूँ कि हम केवल अपने मेंबर के साथ ना करें, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट 2024 का ये एक्ट हम जो अमेंड कर रहे हैं 95 का, तो उसमें जो स्टेट्स के वक्फ बोर्ड हैं उनके चेयरमैन को भी बुलाएं, जो हमारे अल्पसंख्यक के माइनॉरिटीज के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे जमयतुल उलमाए हिंद हो, या और हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सुन्नी हैं, सिया हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, अहले सुन्नत हैं, या जो भी आगा खानी हैं, बोरा हैं, उन सब लोगों को हम बुलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अवसर देंगे, जिससे कि हम इस बिल को लाने का, ये सरकार के बिल के लाने का एक खास मकसद है कि अगर देश में लोग वक्फ को करते हैं अपने प्रॉपर्टीज को और औकाफ को, तो उसका पर्पज ये होता है कि ऑन द नेम ऑफ द गॉड एनी प्रॉपर्टी डेडिकेटेड फॉर द रिलीजन पर्पजेज, पायस पर्पजेज एंड चैरिटेबल पर्पजेज। तो इस पवित्र भावना से अगर कोई भी हमारा प्रॉपर्टी जो वक्फ की है, तो उस पवित्र भावना को पूरा करे, वो आम मुसलमान को, गरीब मुसलमान को, पसमानदा को, हमारा ख्वातीन बहनें हों या अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे हों, उनके मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए उसका फ़ायदा मिल सके, जो पर्पज है वक्फ को डेडिकेट करने का, उस पर्पज को पूरा करे। पिछले दिनों जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की में प्रॉपर्टीज के बारे में कि लोग बड़ी पवित्र भाव से देते थे और खुर्द बुर्द होता था, तो आज उसके लिए एक रिफॉर्म लेके आए हैं और लगातार जो ये एक्ट रहा है उस एक्ट में, अब 95 में एक 44 संशोधन हुए हैं, उस सभी संशोधन पे हम जेपीसी में बात करेंगे और एक अच्छा कंप्रेहेंसिव बिल अगले सेशन तक लाएंगे। आप लोगों ने कहा है कि